नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बात आकाशानंद की और बसपा सुप्रीमो मायावती की होगी और चर्चा बनी हुई है और चर्चा मीडिया में भी है, तो वही पे बात होगी। चलो शुरू करें, टाइम ना बिगाड़ते हुए। राजनीतिक जानकार इनकी माने तो कई बार लोकसभा और विधानसभा में मिली असफलता के बाद मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और पार्टी में अहम पद दी है। उन्हें चुनावी राजन में प्रभारी बनाया है, या के साथ ही आंदोलन, धरना प्रदर्शन और पद यात्रा से दूरी बना चुकी पार्टी अब भतीजे को ठीक से लॉन्च करने के नहीं है, पद यात्रा को सहारा ले रही है, जाते भतीजे की इमेज ठीक है जाए और उनके समाज में भी एक संदेश चल हो जाए। आकाश आनंद ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3,500 किलोमीटर की सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा शुरू करी है। यह यात्रा को बहुजन अधिकार यात्रा को नाम भी दिया गया है। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई है, निकाली जा रही है। यात्रा प्रदेश के करीब 150 विधानसभा क्षेत्र के गुजरेगी। सियासी जानकार बता रहे हैं कि यात्रा के दौरान दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति के तहत बसपा काम करेगी। यात्रा की शुरुआत के मौके पर धौलपुर में हुई है। यह दौरान आकाश आनंद ने कही कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के संकल्प के साथ बसपा प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कही है कि बसपा को संकल्प होगा कि सत्ता में आने पर सभी वर्ग को भलो हो, पीड़ित दलितों और शोषितों को राहत मिले। बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि आनंद को बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जहां में चुनौती भी बहुत है लेकिन सीखने को खुलो मैदान है। वो अपनी बुआ के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को लागू कर रहे हैं। यूथ उनसे जुड़ेगा, उनके साथ कई अनुभवी नेता भी लगे हुए हैं जो समय समय पर उन्हें आगे बढ़ने को ज्ञान भी देते रहेंगे। उन्होंने कही है कि इन सभी राज्यों में चुनौती तो है लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। एक प्रकार से बसपा की मायावती के बाद की नौजवानों के साथ आनंद ही तैयार कर रहे हैं। हाल ही में उनके राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को जिम्मा सौंपा है। उनके साथ दो भरोसेमंद नेता अशोक सिद्धार्थ और रामजी गौतम लगाए गए। यह बीच मध्य प्रदेश में आकाश काफी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने आदिवासी दिवस पर राजभवन तक मार्च करो, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर दिए गए उनका बयान काफी सुर्खियों में रहो। वरिष्ठ राजनीतिक जानकार प्रसून पांडे कह में है कि आकाश आनंद को अपने को साबित करने के लिए 4 राज्यों के चुनाव ही काफी है। हालांकि इनको अभी तक कोई बड़ो संघर्ष नहीं है, फिर भी मायावती ने उन्हें अच्छे से लॉन्च करो है। राजस्थान के रण में उनके सामने निष्ठावान और जिताऊ उम्मीदवार को चयन करना अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि बसपा के यहाँ पर कई जमाने में 6 विधायक हुए कर रहे हैं लेकिन अब कांग्रेस में शामिल है चुके हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, जहाँ बसपा के वोट शेयर में गिरावट पर रोक लगाने और अपने कॉरिडोर को बचाने की बड़ी चुनौती है। कई दशक से यूपी की राजनीति को करीब से देखने वाले रतन मणिलाल कह रहे हैं कि मायावती के पास अभी तक दूसरे नंबर की लीडरशिप खत्म है गई है। उन्होंने ज्यादा काई पर भरोसा भी नहीं करो है। बीते 30 साल के बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिलो है जहां पे पूरा भरोसा करो जा सके है और वह निर्णय लेने के लिए अभी स्वयं स्वतंत्र है। इनको रोल मायावती की अनुपस्थिति में वह दूसरे नंबर की भूमिका अदा करेंगे, चाहे प्रचार हो, काई दल के साथ बातचीत करनी हो, ये मायावती की दूसरी आवाज होंगे। मायावती अपने सेकंड लीडरशिप तैयार कर रही है और धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी आकाश को दे रही है। यह में ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर इतना बढ़ाने के बाद भी आकाश आनंद उपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं लाएंगे तो पार्टी को और भी ज्यादा डाउनफॉल शुरू हो सके। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटा है आकाश आनंद। उन्होंने लंदन के एक बड़े कॉलेज से MBA की डिग्री हासिल करी है। बसपा में वो मायावती ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद सहारनपुर की रैली में आकाश को लॉन्च करो हो। उन्होंने अपने कैडर के बीच संदेश भी दिए हो, इंटरनेट मीडिया पर मजबूत हुई बसपा की पकड़ के पीछे आकाश आनंद को ही हाथ मानो जा रहा है। 2019 के गठबंधन के दौरान जब लालू के बेटा तेजस्वी ने मायावती से भेंट करी, वह दौरान आकाश आनंद वहां मौजूद है। वही चुनाव प्रचार के दौरान भी वो मायावती अखिलेश की संयुक्त रैली में मंच पर दिखे। वह चुनाव के दौरान उन्होंने बसपा के लिए रणनीति बनाई, आगे आने वाले जो समय में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। अभी के नहीं, सिर्फ इतना।
नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर रूबरू होंगे। जब तक नहीं देसी देख बिगर विदेख बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।